संघर्ष यानी कि स्ट्रगल इंसान को जो है वो मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर इंसान क्यों ना हो। और सही बात है, संघर्ष के टाइम यानी स्ट्रगल के टाइम जो है इंसान सही मायने में अपने काबिलियत को जो है वो पहचान पाता है। तो संघर्ष के टाइम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप ये मानकर चलो ना कि आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल आया है तो इस समय आप अपने काबिलियत को पहचान पाएंगे और आप जो पहले काम कर रहे थे उसके दोगुना तेज़ी से आप उस काम को करेंगे जो आप टारगेट लेकर चल रहे। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा कि 31 मार्च ये डेट आप सभी याद रखना, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च को रात को 9 बजे जो है ना आपका NTPC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं, अब देखो एग्ज़ाम का डेट आया नहीं है और आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस बीच में जो है मैंने 100 क्वेश्चन का पूरा डिट्टो पेपर जो है वो रेडी किया है जहां पर अपने आप को जज करना है पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। पूरा पेपर होगा जहां पर आप अपने आप को जज कर पाओगे कि एग्ज़ाम से पहले कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक पेपर पूरे एग्ज़ाम के जैसा मैंने रेडी किया है आप सभी के लिए जिसका लाइव टेस्ट जो है वो 31 मार्च को रात को 9 बजे होगा। तो टाइमिंग याद रखिएगा। और एक बात बोलूँगा, तुक्का मत मारना उस दिन और पेन पेपर लेकर बैठना ताकि सही मायने में आप सभी अपने आप को जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे हम सभी 29 मार्च के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न है हमारे सामने, गृह मंत्रालय ने कुरुक्षेत्र जिले, ये कहाँ पर पड़ता है कुरुक्षेत्र जिला, तो ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका हरियाणा में। कुरुक्षेत्र जिला में एक गांव है जिसका नाम है आपका अमीन गांव, उसका नाम बदलकर जो है ना वो हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसको मंजूरी दे दी गई है। यानी जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वहां पर एक गांव है अमीन गांव, उसका नाम चेंज कर जो रखा गया है नया वो है आपका अभिमन्युपुर, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये याद रखिएगा। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या, और राजधानी क्या है तो वो है आपका चंडीगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी PFC के अध्यक्ष यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उनका नाम बताना है। यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है रविंदर सिंह ढिल्लन, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय एक्सा इस कंपनी ने किस बीमा जो इंश्योरेंस को कवर करने के लिए किस बैंक के साथ जो है यो योजना बनाई है। आप सभी को पता है भारतीय एक्सा जो है एक टाइप का इंश्योरेंस कंपनी है, इसने किस कंपनी के साथ मिलकर इंश्योरेंस को कवर करने के लिए जो है वो हाथ मिलाया है, क्योंकि किसके लिए, तो आपके अभी जिससे पूरा देश जूझ रहा है कोरोना वायरस से, ठीक है, उसके लिए तो इन्होंने हाथ मिलाया है किसके साथ, DBS बैंक के साथ। अच्छा, DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, सिंगापुर में। और DBS बैंक का टैगलाइन क्या है, जैसे आप सभी को पता है हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो DBS बैंक का टैगलाइन क्या है, तो उसका टैगलाइन है आपका लीव मोर बैंकलेस। और DBS बैंक के CEO कौन है, तो आप सभी बोलेंगे पीयूष गुप्ता, और चेयरमैन कौन है, तो वो है आपके पीटर सी, ये आपको नाम याद रखना है। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं करवा रहा हूं ना ये भी आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है इलाहाबाद बैंक का जो है वो विलय होने वाला है, मर्जर होने वाला है किस बैंक के साथ, तो आप सभी को पता है इंडियन बैंक के साथ जो है वो मर्ज होने वाला है। लेकिन अभी 21 दिन के लॉकडाउन के बाद इनका जो मर्जर का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मोटा मोटी यही बोल रहा है किस बैंक के बोर्ड ने इलाहाबाद बैंक के प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले भारतीय बैंक के 115 इक्विटी शेयर के साथ इलाहाबाद बैंक विलय के लिए 1 शेयर दिया है, तो आपका इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस हवाई अड्डे का नाम बताना है, उस एयरपोर्ट का जिसने 1 मार्च 2020 से खुद को
क्या घोषित कर दिया है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया है। यानी वो कौन सा हवाई अड्डा है जहां पर एक भी प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है 1 मार्च 2020 से। और वो एयरपोर्ट है आपका GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन से पहले बोलूंगा, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, रेलवे हो, बैंक हो या फिर SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और वहां से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप जज कर पाओ कि आप एग्ज़ाम से पहले स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। और हाँ, जो लैंग्वेज है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, HSBC जो बैंक है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। और आप सभी को पता है HSBC जो बैंक है यह लंदन का एक बैंक है, ब्रिटेन का। इसके जो CEO बना दिए गए उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका नोएल क्वीन, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हैंड वॉशिंग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस महामारी के बीच WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेफ हैंड चैलेंज में कौन शामिल हुआ है। यानी आप सभी को पता है अभी पूरा विश्व जो है वो इस पर बढ़ावा दे रहा है कि अपने हाथ को अच्छे से धोइए। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सचिन तेंदुलकर जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को पता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए $12 बिलियन। ठीक है, अगर बात करूं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितना दिया है, तो $675 मिलियन। ये सब आप याद रखना, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये सब। और WHO के हेड कौन है, तो मैंने आप सभी को काफ़ी बार बताया है, टेड्रोस एधोनोम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, रोजर माइवेदर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या है, तो यह एक प्रसिद्ध बॉक्सर है, बहुत फेमस है। और अगर आपको इनका नाम थोड़ा सा जानना है, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लॉयड माइवेदर जूनियर जो है, इनके अंकल थे आपके रोजर माइवेदर। आप सभी को अगर इनका नाम नहीं पता है, तो इनका नाम तो पता होगा, एक समय दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी में इनका नाम आता था टॉप के ऊपर। ठीक है, यह भी एक बॉक्सर थे, इनके अंकल जो थे रोजर मेवेदर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक बॉक्सर थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, एक किताब है, किताब का नाम क्या है, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, जो यह पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की उपस्थित में जारी की गई थी। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किताब लिखा गया है आपका भाला चंद्र मुंगेकर, ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात मैं बता दूं, आप सभी ने देखा होगा अभी पुस्तक बुक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा फोकस के साथ आप सभी देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था मनोहर पारिकर के जीवन के ऊपर एक किताब जो है वो लॉन्च किया गया था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, जिसके लेखक कौन थे, सदगुरु पाटिल और आपका माया भूषण नवेंकर। ठीक है, ये एक किताब जो है जीवन के ऊपर, किसके, मनोहर पारिकर के ऊपर एक किताब जो है वो प्रकाशित किया गया था, जिसके लेखक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी हाल फिलहाल में जो है एक मनोहर पारिकर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और पुस्तक लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है, इनविजिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। यह पुस्तक किसने लिखा है, यह आपको बताना है। और यह पुस्तक लिखा गया है आपका तरुण विजय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं।
ठीक है। और अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी बोलेंगे प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और गोवा का राजधानी सभी को पता है पानाजी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बजाज ऑटो बोर्ड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, यानी बजाज ऑटो बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन होंगे, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है आपका राजीव बजाज, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीलंका ने अपने देश के इकोनॉमिक यानी अपने देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस देश से जो है वो 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्त सहायता प्राप्त की है, तो यह चाइना ने दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी। और श्रीलंका के करेंसी क्या है, श्रीलंकन रूपी। कैपिटल श्री जयवर्धने पूरे कोटे। वहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में आप मत जानो, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा जो है वो भंग कर दिया गया है, और बोला गया था 25 अप्रैल से जो है वहाँ पर चुनाव होगा, उसके बाद नए प्रधानमंत्री का जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का नाम आप याद रख सकते हैं, गोटाबाया राजापक्षा, जो एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बार आप सभी से पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम के राहत कोष में 25 करोड़ रुपए का दान किसने दिया है, और ये दान दिया गया है आपका अक्षय कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए। बहुत बड़ी बात है, हालांकि सभी लोग दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया है, आप सभी को पता होगा। अगर वहीं बात करें टाटा के मालिक रतन टाटा, तो उन्होंने भी 1500, बहुत जन हजार करोड़ बोल रहे हैं, 1500 करोड़ के अप्रॉक्स जो है वो सहायता कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अगर बात करें सितारों के बारे में, जो बॉलीवुड से लेवे जो भी सितारे हैं, तो अगर उनकी बात करूँ तो आप सभी को पता होगा बाहुबली के जो अभिनेता है लीडिंग रोल में प्रभास, उन्होंने भी जो है वो 4 करोड़ की सहायता की है। अलग अलग सभी हेल्प कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सचिन जो है वो, उन्होंने भी 50 लाख दिया है। धोनी ने 1 लाख दिया है। धोनी को हालांकि बहुत जन बोल रहे हैं कि धोनी इतने बड़े स्टार होने के बावजूद जो है बस 1 लाख का सहायता की है, लेकिन आपको ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सही है। उन्होंने 1 लाख की सहायता तो की है, लेकिन साथ साथ 100 गरीब परिवार को जो है वो देखभाल करेंगे, उन्होंने ये भी जो है वो अनाउंसमेंट किया है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने नहीं, ये तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। इसका पूरा पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया, तो वहां से भी आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डेट याद रखना, 31 मार्च रात को 9 बजे आपका टेस्ट होगा, पूरे एग्ज़ाम जैसा पेपर, एग्ज़ाम से ठीक पहले, और जज करना, तुक्का मत मारना, पेन पेपर लेकर आप सभी हाजिर हो जाइएगा, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।